जाओ एक बार देखो मूवी को, एक बार एटलीस्ट देखो। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के जाके थोड़ा सा धूप दिखाई दिया है। अभी मैं काम पे निकल रहा हूँ, सुबह में अपना ड्रेस ढूंढ रहा था। ये ड्रेस सब कुछ तीनों का तीनों ड्रेस है यहाँ पे, एक मैं पहना अभी यहाँ से लेके और एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सो सब भीगा हुआ है। ये ऑलमोस्ट मेरे को लगा थोड़ा सा सूखा सूखा है इसलिए ये वाला को पहन लिया, लेकिन पूरा सूखा नहीं है। ये सब जगह अभी भी भीगा हुआ है क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रहा था करके धूप नहीं निकला। आज फिलहाल चलो धूप निकला है, सो आज तो सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉन्ग बाइसेप। तो इतना दिन से मैं ये जो कैमरा में मैं वीडियो शूट कर रहा था वो मैनुअल में था। सो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक मोड में वीडियो बनाने का। ऑटोमेटिक मोड में एक्चुअली क्या होता है, ऑटो फोकस कर लेता है, उसमें मेरे को अलग से फोकस करना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक मोड पर करने के लिए, और कैमरा को ऐसे पकड़ने से ट्राइपॉड छोड़ के अगर ऐसे मैं पकड़ता हूँ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि अभी मेरे से काम है, मतलब मेरे से बोल रहा हूँ अभी मेरा काम शुरू हो गया। ऑलमोस्ट टाइम जो है 6:45 से पिकअप है मेरा, पहला पिकअप 6:45, उसके बाद 8:10, उसके बाद 9:10, फिर 10:45, उसके बाद 2 बजे वी कंटिन्यू आज पिकअप है। 6:10 हुआ है, सो टाइम है मेरे पास, लेकिन मेरे को क्या है भाई, मेरे को जल्दी जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। सो अभी कैमरा को घर पे रख के जाता हूँ। और फिलहाल और एक चीज़ मैं बताया था, अभी वीडियो एडिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक पासवर्ड डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है छोड़ो। वीडियो एडिट कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और 2% 3% के करीब बचा है, अभी लॉक खुलता तो दिखा देता, ठीक है छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जैसे ही मैं घर आऊँगा फिर पीयू को लेने के लिए, वो टाइम में मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि भाई मेरे पास एक्सट्रीम फाइबर है। सो मेरे को 5 मिनट लगेगा वीडियो अपडेट करने के लिए, वीडियो अपलोड करूँगा, ड्राफ्ट में डालूंगा और निकल जाऊँगा क्योंकि आज मेरे को 8:40 के अंदर काम खत्म करके फिर मेरे को जाना है पीयू को लेके मूवी देखने के लिए। सो जस्ट अभी मैं काम ख़त्म करके आया, अभी टाइम जो हो रहा है 2:30 ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, और मैं अभी फ्लैश को ऐसे घुमा रहा था, ऑटोमेटिक पे रखा है, मैं भूल ही गया था। और एक्चुअली अभी बनाने वाला हूँ, कल जो मैं चाउमीन बनाया था उसको मैं गर्म करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि दोपहर को अभी खाना खाने का मन था, कुछ खाऊँगा, तो मैं सोचा कि क्या है, पीयू भी बोला कि घर में चाउमीन पड़ा है उसको खा लो। एक्चुअली कोलकाता में अगर रहता ये टाइम में तो अभी कुछ राइस वगैरह दाल वगैरह ऐसा खाता, लेकिन जब आप बाहर रहोगे, अपना होम टाउन से बाहर रहोगे, तो ऐसा ही खाना वाना होता रहता है क्योंकि कुछ खाने का आपका लिमिट नहीं रहता, कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला कुछ नहीं रहता। सो हम लोगों का भी कुछ वैसा ही है, मेरा और पीयू का, कुछ रोकने वाला नहीं, कुछ टोकने वाला नहीं है, सो हम लोग वैसे ही खाते रहते हैं। एक्चुअली राइस मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा स्पाइसी खाना, थोड़ा सा मतलब हटके खाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैगी का पैकेट में 20 रुपीज़ कैशबैक दे रहा है, कैसे पॉसिबल है 20 रुपीज़ का कैशबैक? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 14 रुपये का पैकेट है, ठीक है, मैगी का पैकेट है 14 रुपये का, उसमें 20 रुपीज़ का कैशबैक कैसे हो सकता है? मतलब कंपनी 6 रुपये लॉस करके मेरे को कैशबैक थोड़ी दे सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है। तो मैं दुकान वाले को बोला था, नहीं 20 रुपीज़ तुमको मिल जाएगा, मतलब कभी हो सकता है, कोई भी कंपनी 6 रुपये लॉस कर सकता है, वो भी मैगी के जैसा कंपनी। तो मैं जैसे ही मैगी के बारे में बोला, पीयू बाहर से क्या बोलता है, तुम मार के देखा उसको, चेक करके देखा कि 20 रुपीज़ कैशबैक देता है? नहीं नहीं, मैं एक चीज पूछता हूँ, मैगी के जैसा कंपनी कभी दे सकता है? नहीं देगा, लेकिन आपने चेक तो नहीं किया ना? नहीं मैंने चेक नहीं किया, ये गारंटी है कि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 20 रुपीज़ भी नहीं देगा, 5 रुपए मैक्सिमम से ज्यादा। इससे पहले चेक कर लो फिर बताओ रिव्यू देने में पहले। अरे रिव्यू में मेरे को पता है कि कितना दे सकता है, कोई 20 रुपए कोई भी कंपनी नहीं देगा, देगा भी कैसा देगा कि उसका ह्यूज अमाउंट सेल हुआ, उसका प्रॉफिट से थोड़ा बहुत 3-4 लोगों को 20 रुपये दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी इतना घाटे में तो नहीं चलेगा। और इतना बड़ा कंपनी इतना दिन से चल रहा है, वो कंपनी तो इतना मतलब बुर्बक नहीं है कि इतना लॉस कर देगा खुद। कढ़ाई गर्म हो गया, अरे भाई बाहर आके बात कर रहा था, अरे 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 गर्म हो गया। चलो मैं फटाफट अभी चाउमीन को गर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंडा भी इसमें भुर्जी करके डाल देता हूँ ताकि मतलब एक चाउ बन जाए। तो मेरा चाउमीन यहाँ पे रेडी हो गया है, ये वाला मेरा चाउमीन गर्म होके अंडा देके पूरा रेडी हो गया है, और अभी पीयू का खिचड़ी यहाँ पे बन रहा है,
पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया, इसको सिर्फ इसमें डाल दूंगा, गर्म हो जाएगा। अरे मतलब अलग सा कोई पेट भरने वाला चीज़ का था, इसको कैडबरी खाने का मन है। सो अभी दोनों लंच करने के लिए बैठ गए, लेकिन अभी लंच करके जैसे ही ऑफिस जाएंगे एक ही बारी में रेडियो के चले जाएंगे और मैं वो रेडियो के चला जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर आके फिर थोड़ा फ्रेशन अप होकर फिर निकलूँगा, क्योंकि हम लोगों का जो मूवी का टाइमिंग है वो है 8:40 का और ब्रह्मास्त्र तो देखने जाएंगे। सो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बॉयकॉट को साइड में रखो, मूवी पहले देखो उसके बाद बॉयकॉट। हम लोग घर घुसे और अभी हम लोगों को ड्रेसअप करके निकलना होगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम जो हो रहा है 8 बज रहा है और 8:40 का शो है, अभी दिखाई नहीं देगा, ये ऑटो मूव पे रहता है। अभी इसका फोकस का मेरे को आइडिया नहीं है, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, जैसे मेरे को आइडिया धीरे धीरे होता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा कि ऑटो फोकस कैसे होता रहता है। सो अभी हम लोग आए, अभी फटाफट हम लोग ड्रेसअप करके निकल जाएंगे, मैं और पीयू फटाफट निकल जाएंगे, वो भी अभी रेडी हो रहा है, मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करूँगा निकल जाऊँगा। और यहाँ पे रात का खाना के लिए हम लोग लेके आ गए पीयू का मैगी और मेरा रोटी वगैरह लेके आ गया, क्योंकि हम लोग का मूवी जो है 2 घंटा 40 मिनट का मूवी है। सो ऑलमोस्ट 8:40 को स्टार्ट होगा, सो हम लोगों ने हिसाब लगा लिया 8:40 स्टार्ट होगा, मतलब ख़त्म होने में कम से कम कितना हम लोगों ने हिसाब किया 11:20 मतलब फिर हॉल जाने आने में, मतलब घर आने में ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा पुणे 12 मतलब 11:45। सो वो रात को कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, 9 बजे के बाद तो खाना मिलना बहुत ही मुश्किल है अंडमान में। सो हम लोग भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाना लाके जुगाड़ करके घर में रख दिया, अभी नॉर्मली हम लोग छोटा मोटा कुछ स्नैक्स बिस्किट वगैरह खाएंगे, खा के ड्रेस चेंज करके निकल जाएंगे। मैं हो गया हूँ पूरा रेडी, पीयू भी पूरा रेडी और हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है कम्प्लीट। अभी टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट 8:15, सो अभी निकलना है एग्जैक्ट टाइमिंग, क्योंकि अभी यहाँ से मतलब जो सिनेमा हॉल है वो पहुँच 8:05 हो रहा है, घड़ी में दिखा रहा है 8:15 मेरा घड़ी में, एक्चुअली मेरा घड़ी फास्ट है। सो अभी निकलना सही नहीं रहेगा, 8:05 एज पर इसके हिसाब से दिखा रहा है फ़ोन का घड़ी, वही सही टाइम दिखा रहा है, मेरा घड़ी थोड़ा फास्ट किया मैं भूल ही गया था। 8:15 को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, निकल के यहाँ से 15-20 मिनट लगेगा ये पहुँचने के लिए, थिएटर पहुँचने के लिए, फिर वहाँ पे जाके हम लोगों को टिकट कलेक्ट करना, फिर अंदर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता अंदर जाके एक भी सीन मेरा मिस हो, क्योंकि मैं बहुत बहुत ये करके बैठा हूँ, उम्मीद लेके बैठा हूँ कि मूवी कैसा है मेरे को देखना है। और मेरा देखो अभी क्या लिखा है इसमें, मूव। सो मैं बोलूँगा मूव ऑन करो और बॉयकॉट बॉलीवुड को साइड में रखो, मूवी देख लो पहले, क्योंकि बाकी सभी का मैं छोड़ने से पहले, मैं अभी तो देखने जा रहा हूँ, इससे पहले जो जो देखा है वो भी बोल रहा है कि मूवी बहुत ही अच्छा है। सो मैं भी अभी देखने वाला हूँ, देख के मैं भी बताने वाला हूँ कि मूवी कैसा है, मेरा तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है कि अच्छा होने वाला है, फिर अभी देखते हैं कि कैसा है मूवी। सो हम लोग अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो अभी निकलना सेफ रहेगा। कैमरा को मैंने घर में रख दिया है, रात का नाश्ता, रात का खाना, नाश्ता बोल रहा हूँ, रात का खाना वगैरह सब कुछ लेके जुगाड़ कर दिया है, हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक है। सो अभी निकलते हैं मूवी देखने के लिए। सो हम लोगों ने पानी बोतल भी कैरी कर लिया और ये बैग प्यू भी कैरी कर रहा है, एक्चुअली उस बैग में ही पानी बोतल है, सेफ साइड के लिए मैंने ले लिया। और हम लोग देखने जा रहे हैं 3D मूवी, ये चश्मा कुछ काम का नहीं है, लेकिन रात को अभी बाइक चलाऊंगा तो कुछ इंसेक्ट्स या तो लाइट का रिफ्लेक्ट, इससे बचने के लिए सिर्फ ये ग्लास, अंदर तो ग्लास मिलने वाला है 3D ग्लास, और मैं तो लेके आने वाला हूँ, कोशिश करूँगा लेके आने का। सो 8 मिनट पहले हम लोग एंटर किया, मतलब एकदम ऑन टाइम, उसका जो टाइम है एकदम ऑन टाइम है, उसका देखो 8:15 को निकलने वाले थे, वहाँ से हम लोग लेट करके अभी टॉयलेट वॉशरूम जाना है, डायरेक्ट जाना है, पॉपकॉर्न वगैरह लेना नहीं है, डायरेक्ट बस। हाँ अभी आराम से जाके बैठो, मूवी एंजॉय करो। सो विदाउट पॉपकॉर्न मूवी देखने जाना मतलब बेकार, सोचा था हम लोगों ने कि बाद में ले गया हम इंटरवल के बाद, लेकिन अभी हम लोगों ने कैरी कर लिया एक और इंटरवल के बाद और एक ले लेंगे। तो 8:40 टाइम है मूवी स्टार्ट होने का, अभी टाइम हो रहा है 8:37, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 3 मिनट फास्ट हैं। पॉपकॉर्न यहाँ पे है और हम लोगों का फर्स्ट टाइम 3D ग्लास हम लोगों को मिल गया है, मेरा वाला और ये प्यू का वाला, मतलब दो हम लोगों को मिल गया है। फर्स्ट हम लोगों ने मूवी ख़त्म किया, अभी हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं और मूवी का जो रिव्यू है अभी यहाँ बैठ के, मतलब बाइक चलाते चलाते या तो हॉल के सामने खड़े होकर हम नहीं दे सकते, अभी घर जाएंगे, घर जाके फिर आराम से हम लोग रिव्यू डालेंगे, क्योंकि मूवी भाई खतरनाक हुआ है। तो जस्ट हम दोनों घर आए और मूवी का रिव्यू जो है
मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, बॉयकॉट को साइड में रखो और मूवी देखने जाओ। मुझे भी कुछ बोलना है। मैं पहले बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना है, लेकिन मैं मतलब खुद से बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज 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 जाओ। हाँ ठीक है, नेपोटिज्म है, सब कुछ है, लेकिन एक स्टार लोग मतलब बहुत मेहनत करके ये मूवी बनाया है। और सबसे बड़ा चीज जो है कि बॉलीवुड ने पहला बार ऐसा ग्राफिक्स दिखाया है। मतलब मैं तो बोलूंगा ये मूवी 2D में देख के फायदा नहीं, 3D में देखो। मतलब अच्छा सिनेमा हॉल में जाओ जहाँ पे अच्छा साउंड सिस्टम, फिर अच्छा 3D है, वहाँ पे जाके ये मूवी देखो। मतलब मेरा चेहरे में कितना मुस्कुराहट देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि मूवी कैसा बना है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, इसके ऊपर बेस करके ये अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, हम लोग जो मानते हैं कि ब्रह्म देवता सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, तो उनका अस्त्र, मतलब सोच लो कि इसमें बॉयकॉट आप कहाँ पे करोगे। जाओ एक बार देखो मूवी को, एक बार एटलीस्ट देखो। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया, अभी भी मेरा मन हो रहा है कि अगर कल भी टिकट मिलेगा मैं कल भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी कहाँ, मैं काम छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैं अभी पीयू को भी बोला कि अगर दुर्गा पूजा तक ये मूवी चलेगा, और चलाओगे आप लोग ही, मेरे को पता है, अगर ये मूवी चलता है दुर्गा पूजा तक, तो मैं दुर्गा पूजा के दिन फिर से जाएगा ये मूवी देखने। एक ऐसा लड़का हूँ जो मतलब कोलकाता छोड़ के इतना दूर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ना ये जगह में दुर्गा पूजा मैं मिस करता हूँ, अभी भी मैं मिस करता हूँ। सो ये मूवी में इतना अच्छे से ये जो कल्चर को दिखाया है ना, एक एक कल्चर को, हिंदू लोगों का एक एक कल्चर को दिखाया है, मतलब और कुछ बोल नहीं सकता मैं, और कुछ कुछ बोल भी, सिर्फ हिंदू लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, ये छोड़ के भी, मतलब आप ये सब कल्चर छोड़ दो, आप जो ग्राफिक्स का काम देखोगे ना, वो भी खतरनाक। मतलब हम लोगों का बॉलीवुड में ऐसा ग्राफिक्स फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं देखा था रावण में, और मतलब कैरेक्टर तो मैं बोलूंगा भी नहीं, अंदर जाओ, रावण बोल दिया तो समझ लो अंदर कौन कौन हो सकता है फिल्म में। मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्टर लोग हैं अंदर। अगर आप मल्टी यूनिवर्स देखते हो, मतलब एवेंजर देखते हो, तो यहाँ पे अस्त्र यूनिवर्स, जिसको अस्त्र वर्स करके कुछ नाम दिया है, उसको एक बार देख लो। एटलीस्ट ये पार्ट वन है, इसको भी अभी बढ़ना है, तो बढ़ाएंगे कौन, हम लोग मिलके। सो अभी एक बार जाके इसको देख के आओ। एटलीस्ट बॉलीवुड को भी अभी समझ में आ गया है कि बॉलीवुड को क्या बेचना है, क्या बेचना नहीं है। सो अभी बॉलीवुड भी स्टूडियो के ऊपर ही काम कर रहा है, ये देख के पता चला। सो जाओ मूवी देखो, मूवी एंजॉय करो, और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो टाटा, बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।